आयनिक इक्विलिब्रियम का जो ये लेक्चर थे आपने देखे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में आगे हम लोग देखते हैं कि हमने आपको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिस्कस किया था। ब्रीफ में एक बार और बता देते हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डाइल्यूट करने पर इंक्रीज करता है, और हमने आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बताया था, और उसमें आपको बोला था कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। नाउ पीएच ऑफ एसिड्स, पीएच ऑफ एसिड्स हमने आपको बोला था कि सोरेंसन के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन था कि पी फाई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ फाई बेस 10। फॉर एग्जाम्पल पीएच भी हमने आपको बताया था, हमने आपको पीओएच भी बताया था, तो जो भी ऊपर होगा वो माइनस लॉग ऑफ फाई के बराबर आप कर देंगे। पीएच ऑफ एसिड्स के अंदर, पीएच ऑफ एसिड्स के अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हम लोग एक एक करके डील करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस पीएच के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, पहला केस लेके चल रहे हैं, जनरली इट इज ए मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। सपोज एच ए इज मोनोप्रोटिक एसिड, और मोनोप्रोटिक एसिड को जब हम आयनाइज करते हैं इट गिव्स एच प्लस एंड ए माइनस, एच प्लस देगा और ए माइनस देगा। मान लीजिए एसिड की आयनाइज होने से पहले मोलारिटी को सी रहा हो गया, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। तो एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई एन सी एल्फा, वेयर एन इज नंबर ऑफ आयन फर्निस्ड। जैसे मोनोप्रोटिक है तो हमेशा एक ही एच देगा, डाइप्रोटिक दो देगा, ट्राइप्रोटिक तीन देगा, टेट्राप्रोटिक चार देगा, इस टाइप से। और सी इज द मोलारिटी ऑफ द सोर्स, ये सी वही है जो हम लोग सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड अल्फा इज रेफर्ड एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यदि हमको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया हुआ है तो ठीक है, हमको यदि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं दिया है वी विल सपोज इट इज 100% आयोनाइज्ड, पूरा 100% आयनाइज हो जाता है। सो सिमिलरली नाउ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज एन सी अल्फा, मोनोप्रोटिक एसिड के अंदर एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हम लोग एन सी अल्फा से डिटेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई सी डैश, सी डैश वैल्यू जब निकल के आ गया तो इसके अंदर अब दो केस अराइज होंगे। रिमेंबर सी डैश इज मोलारिटी ऑफ एच प्लस, आयनाइज होने के बाद एच प्लस की ये मोलारिटी आ गई सी डैश। इस सी डैश में दो टाइप के केस अराइज होंगे, फर्स्ट केस इज सी डैश इज ग्रेटर देन 10^-6, ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी, आयनिक के अंदर क्या है कि अप्रोक्सीमेशन, जितना बेटर होगा आंसर उतना अप्रोप्रिएट होगा, एग्जैक्टली तो आपको नहीं निकलेगा क्योंकि सब एग्जैक्टली आंसर क्यूबिक से आते हैं, तो हम लोग जितना आंसर के क्लोज पहुंचेंगे इट इज़ बेटर। यहाँ पर सी डैश एक केस और लिया, इट इज़ लेस देन 10^-6।
ये तब की बात है जब आयनाइज हो चुका है. नाउ रिमेंबर, इस केस में हम लोग वाटर इज नॉट कंसिडर एज सोर्स ऑफ एच प्लस. यदि ज़्यादा है तो वाटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे. इस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे वाटर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एच प्लस. मतलब पहले वाले केस में वाटर से जो एच प्लस निकल के आ रहे हैं वो आपने नेगलेक्ट कर दिए. नेगलेक्ट कर दिए तो इसका क्या मतलब हुआ? हम पीएच इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी डैश बेस 10. जब वाटर को तुम कंसीडर करोगे तो तुमको हेल्प लेनी पड़ेगी बाय ऑफ के डब्ल्यू, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे दैट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको के डब्ल्यू का वैल्यू मालूम है, दैट इज 1 × 10⁻¹⁴. सो इन दिस केस एच प्लस का जो वैल्यू आपने निकाला, दिस वैल्यू इज सी डैश. ये आयनाइजेशन के बाद है, इसके अंदर अल्फा एन सी सब इंक्लूड है. नाउ यू कंसिडर वाटर एज ए सोर्स ऑफ एच प्लस. सपोज वाटर आयनाइज हुआ इन एच प्लस एंड ओ एच माइनस. एच प्लस सपोज एक्स रिलीज हुआ, ओ एच माइनस एक्स रिलीज हुआ. सो वाटर से एच प्लस और ओ एच माइनस निकला, एच प्लस भी एक्स निकला और ओ एच माइनस भी एक्स निकला. नाउ टोटल एच प्लस जो हो गया दैट इज एक्स प्लस जो सी डैश यहां से रिलीज हुआ.